हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द चित्रा साइंस हब आज हम एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शंस पे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर वन व्हाट इज आयन हेलाइडाइन आयन क्या है हमारा ये वीक बेस होता है तो उसका सही आंसर है हमारा सी नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट इनमें से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है एसन टू रिएक्शन ऑलवेज फॉलो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स एसन टू रिएक्शंस हमेशा सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को ही फॉलो करते हैं सेकेंड नो इंटरमीडिएट इज ऑलवेज इन्वॉल्व इन एसेंटू रिएक्शन एसेंटू मैकेनिज्म के अंदर कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है ये ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू प्रोसिडअप होते हैं सेकेंड एसेंटू रिएक्शन आर वन स्टेप रिएक्शन जो एसेंटू रिएक्शन होते हैं वो कंसर्टेड रिएक्शन होते हैं मीन्स सिंगल स्टेप रिएक्शन होते हैं तो ये सारी स्टेटमेंट सही है इसलिए इसका सही ऑप्शन है हमारा डी नेक्स्ट वेन द न्यूक्लियोफाइल अटैक्स द दर एक्स ऑफ द फॉलोइंग विल बी फोइंग रिजल्टेंट प्रोडक्ट जब हमारा आर एक्स का ओ आर के साथ रिएक्ट करा, रिएक्शन कराएंगे तो क्या प्रोडक्ट मिलेगी हमें आर ओ आर प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलेगी तो उसका सही ऑप्शन है हमारा सी नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एलकाइल हेलाइड इन एस एन टू रिएक्शन एस एन टू रिएक्शन के अंदर जो है हमारा एलकाइल हेलाइड्स की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है तो इसमें हमारा एस एन टू के अंदर चूंकि ये कंसर्टेड रिएक्शन होते हैं सिंगल स्टेप रिएक्शन होते हैं ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू प्रोसीडअप होते हैं तो इसमें जो ऑर्डर होता है हमारा ये होता है पहले सी एच थ्री एक्स फिर वन डिग्री फिर टू डिग्री फिर थ्री डिग्री और दूसरी तरफ यदि हम एस एन वन की बात करें तो ऑर्डर तो, बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा वहाँ पहले थ्री डिग्री फिर टू डिग्री फिर वन डिग्री फिर सी एच थ्री एक्स अब एस एन टू रिएक्शन में जो है हमारा सबसे ज़्यादा जो है रिएक्टिव है वो हमारा सी एस थ्री एक्स है फिर वन डिग्री फिर टू डिग्री फिर थ्री डिग्री तो इसका सही आंसर है हमारा से नेक्स्ट द स्टेप इन एस एन वन रिएक्शन दैट इज स्लो रेड डिटरमाइनिंग स्टेप एस एन वन के अंदर जो हमारा स्लो रेड डिटरमाइनिंग स्टेप होता है वो क्या होता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट ट्रांजिशन स्टेट मीन्स जो हमारी जो है पहले वाला जिसमें वो हमारी कार्बोनियम आयन बनता है वो हमारा रेड डिटरमाइनिंग स्टेप होता है तो कार्बोनियम जो आयन होता है वो हमारा बीच का इंटरमीडिएट बनता है उसमें तो जो इसे ट्रांजिशन स्टेट ना कह के इंटरमीडिएट फॉर्मेशन कह सकते हैं तो पहला जो स्टेप होता है कार्बोनियम आयन जो हमारा बनता है वो हमारा स्लो रेड डिटरमाइनिंग स्टेप होता है तो उसका सही आंसर है हमारा ए नेक्स्ट अ लो कंसनट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल फेवर्स विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोइंग अब यदि न्यूक्लियर फाइल की हमारी कंसनट्रेशन कम होगी तो वो कौन सा रिएक्शन को फॉलो करेगा वो हमारा एस एन वन रिएक्शन को फॉलो करेगा क्यों करेगा चूँकि एस एन वन रिएक्शन में न्यूक्लियर फाइल की कंसनट्रेशन से रेट जो है इंडिपेंडेंट होता है तो इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता हमारा लो कंसन का हाई कंसनट्रेशन का है वीक है या स्ट्रॉन्ग है तो इसलिए ये हमारा एस एन वन को फेवर करेगा तो इसका सही आंसर है हमारा ए नेक्स्ट द रिएक्शन दैट आर फेवर्ड बाय द पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट, वो रिएक्शंस जो हमारे पोलर और ए प्रोटिक सॉल्वेंट जिन्हें फेवर करते हैं वो होते हैं हमारे एसन टू रिएक्शन ये हमारे पोलर और ए प्रोटिक जो है हमारे सॉल्वेंट में ये हमारे इसे फेवर करते हैं टू रिएक्शन को नेक्स्ट है विच ऑफ द इज द रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद एसोसिएट जब हमारा एल्कोहल का रिएक्शन कराते हैं हम हमारा एसओ सी एल टू के साथ तो ये हमारा जो है ये हमारा फॉलो करते हैं हमारा किसे जो है इसे एस एन आई एस एन सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल आई इंटरनल के लिए आया है तो उसका सही आंसर है हमारा सी नेक्स्ट द ड्रास्टिक कंडीशन दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द सब्सटीट्यूशन इन हेलो एरिंस हेलो एरिंस जो होते हैं हमारे ये मुश्किल से ही सब्सटीट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं तो उसके लिए ड्रास्टिक कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है तो वो क्या ड्रास्टिक कंडीशन होते हैं हाई टेम्परेचर हो हाई प्रेशर हो या स्ट्रॉन्ग कंसनट्रेटेड रिएजेंट हो तो इसका सही आंसर है हमारा डी तीनों ही रिक्वायर्ड होते हैं नेक्स्ट हाउ वे विल अरेंज द फॉलोइंग इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिविंग ग्रुप इन द न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन में सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप हमारा क्या है सबसे सी है फिर बी है फिर सी है फिर ओ एच नेगेटिव है और फिर एच नेगेटिव है तो इसका सही आंसर है हमारा ए नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन करेक्ट अबाउट न्यूक्लियर फाइल इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वो न्यूक्लियर फाइल के लिए हमारी जो है सही नहीं है गलत है हैव एन अनशेड इलेक्ट्रॉन पेयर एंड कैन मेक यूज ऑफ दिस टू रिएक्ट विद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं हमारे इनके पास अनशेड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है और ये हमारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज के साथ रिएक्ट करते हैं सही है ये स्टेटमेंट भी सेकंड द न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ एन एलिमेंट जनरली इंक्रीजेस ऑन गोइंग डाउन अ ग्रुप इन द टेबल प्रोडिक्टेबल टेबल में जैसे ही हम ऊपर से नीचे की तरफ आते आत रहते, तो रहते हैं तो न्यूक्लियटिटी जनरली बढ़ती रहती है ये भी सही है नेक्स्ट न्यूक्लियोफाइल इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज ये स्टेटमेंट हमारी गलत है क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं इलेक्ट्रॉन तो रिच स्पीशीज होती हैं इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट स्पीशीज स, तो ये हमारी गलत स्टेटमेंट है फोर्थ ऑल गुड न्यूक्लियोफाइल्स फाइल्स आर गुड बेसिस सब गुड न्यूक्लियो जो गुड बेसिस होते हैं तो ये स्टेटमेंट भी हमारी सही है तो इसकी सी स्टेटमेंट गलत है न्यूक्लियो जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशेंट नहीं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होते हैं नेक्स्ट द रेट ऑफ reaction रिएक्शन इज हायर इन द of ऑफ of ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्ट्यूशन रिएक्शन का रेट जो है हाई होता है किसकी प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप की प्रेजेंस में तो इसका सही आंसर है हमारा बी नेक्स्ट व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी इन द फॉलोइंग ऑप्शंस इनमें से करेक्ट ऑर्डर क्या है न्यूक्लियोफिलिसिटी का तो सबसे आपका ये बी वाला ऑप्शन सही है सबसे ज्यादा सी एस निगेटिव की उसके बाद हमारे सी एच थ्री एस एच तो इसका सही आंसर है हमारा बी नेक्स्ट बेन्जाइल क्लोराइड इज़ रिएक्टेड विद डिफरेंट न्यूक्लियर फाइल बेंजाइल क्लोराइड का हम रिएक्शन कराते हैं डिफरेंट न्यूक्लियर फाइल्स के साथ डिफरेंट न्यूक्लियर फाइल क्या है वो ओ एच निगेटिव सी एस थ्री सी ओ नेगेटिव पी एच ओ नेटिव सी एस थ्री ओ नेगेटिव इन्हें डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में लगाना है तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है रिएक्टिव है वो एच निगेटिव फिर सी एस थ्री ओ नेगेटिव फिर पी एच ओ नेटिव फिर सी एस थ्री सी ओ नेगेटिव तो इसका सही आंसर है हमारा बी नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शोज द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सोलोलाइसिस विद एक्वेस इथेनॉल यदि हम सोलोलाइसिस कराने लगे एक्वेस इथेनॉल के साथ तो इनमें से हम कौन सा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा सबसे कम है तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है हमें तो इसमें जो ट्रेंड फॉलो होता है वो सबसे ज़्यादा थ्री डिग्री होता है रिएक्टिव फिर टू डिग्री फिर वन डिग्री फिर, फिर विनाइल तो इसमें से थ्री डिग्री वाला कौन सा है हमारा जो ये थर्ड वाला है ये थ्री डिग्री का है तो फिर ये थ्री डिग्री ये टू डिग्री ये वन डिग्री और ये हमारा विनाय तो हमारा फोर्थ थर्ड सॉरी थर्ड सेकंड फोर्थ और फर्स्ट और ये option, ये हमारा इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है नेक्स्ट एस एन वन रिएक्शन अंडर गो थ्रू अ कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट जो एस एन वन रिएक्शन है वो हमारा दो स्टेप में होता है फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन बनता है सेकेंड स्टेप में उस न्यूक्लियोफाइल उस कार्बोकेटाइन के ऊपर रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाता है तो इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट सही इसकी किसमें करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है अब इसमें जो आर ग्रुप है ये हमारा ट्रशरी बिटोक्साइड हो सकता है आइसो आईसो, आईसो प्रोपाइल जो है हमारा ये आईसोपी आर हो सकता है इथाइल ग्रुप हो सकता है मिथाइल हो सकता है और एक्स जो है कोई सा भी हेलोजन हो सकता है तो कौन सी स्टेटमेंट इसमें से सही है द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ एस एन वन रिएक्शन डिक्रीजिंग ऑर्डर रेट का क्या है सबसे ज़्यादा ट्रशरी बिटोक्साइड देगा फिर आइसो आइसो वाला फिर ए टी एच क्योंकि इसमें जो है होता है थ्री डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होता है चूँकि थ्री डिग्री कार्बो ये हमारा कार्बोकाटाइन फॉर्मेशन के थ्रू प्रोसडप होते 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 हैं पहले स्टेप में कार्बोकाटाइन बनता है दूसरे में न्यूक्लियोफाइल उस कार्बोकाटाइन के ऊपर अटैक करता है अब चूंकि ट्रशी ब्यूटाइल के केस के में जो कार्बोकाटाइन बनाए बनेगा वो थ्री डिग्री का कार्बोकाटाइन बनेगा और तीन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्सिटीटेंट लगने की वजह से वो मोस्ट स्टेबल होता है तो सबसे ज्यादा थ्री डिग्री का फिर टू डिग्री का फिर वन डिग्री का फिर मिथाइल तो ये स्टेटमेंट भी हमारी सही है सेकेंड द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम सब जो सबसे ज्यादा होती है वो मिथाइल की फिर इथाइल की फिर आइसो वाले की और फिर ट्रेशरी वाले की अब जो इसमें फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट हमारी सही स्टेटमेंट है इसलिए इसका सही आंसर है हमारा ए नेक्स्ट वट विल बी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एस एन टू वर्सेस ई टू रेशियो फॉर द परसेंट इल्ड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग हेलाइड इसमें जो हमारा मतलब एस एन टू रिएक्शन फे को फेवर करेगा या ई टू को फेवर करेगा मतलब क्या होगी जो प्रोडक्ट हमारी बनेगी तो इसमें जो है जो हमारा लेस हिंडर्ड जो हेलाइड होता है वो तो एस एन टू रिएक्शन को फॉलो करेगा और जो हमारा ज़्यादा हिंडर्ड है वो एस एन टू को उस सॉरी लेस हिंडर्ड रिएक्शन जो है जब ये हमारा हेलाइड जो है वो लीस्ट हिंडर्ड होगा तो उस केस में हमारा एस का रिएक्शन फास्ट हो जाएगा क्यों फास्ट हो जाएगा क्योंकि एस रिएक्शन जो होते हैं वो ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू अप करते हैं तो यदि भारी ग्रुप लगेगा तो ट्रांजिशन स्टेट, स्टेट में ओवर क्राउडिंग हो जाएगी तो इसलिए जो लीस्ट हिंडर्ड है वो एस टू को फेवर करेगा तो इसमें हम यदि देखें तो सबसे ज्यादा लीस्ट हिंडर्ड कौन सा है थर्ड है थर्ड के बाद फिर सेकंड है सेकंड के बाद फिर फोर्थ है और फिर फर्स्ट है फर्स्ट के अंदर चूंकि फिनाइल ग्रुप लगने से जो इसमें ट्रांजिशन स्टेट बहुत ज़्यादा बल्कि हो जाएगी तो इसका जो हमारा आ, सही आंसर है वो हमारा बी है सॉरी ए है थर्ड है फिर फोर्थ है फिर सेकेंड है और फिर फर्स्ट है नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व करेक्टली रिप्रेजेंट एस एन वन वर्सेज एस एन टू इनमें से कौन सा कर्व एक्यूरेटली डिफाइन करता है तो जो बी वाला कर्व है ये एक्यूरेटली डिफाइन करेगा कैसे करेगा चूँकि एस एन टू में यदि हम बात करने लगे तो जो मिथाइल होता है वो हमारा मोस्ट स्टेबल होता है फिर वन डिग्री फिर टू डिग्री फिर थ्री डिग्री तो जैसे ही मिथाइल से टर्स की तरफ हम चलते हैं रेट घटता रहता है यदि की बात करें तो मिथाइल से जैसे हम जो थ्री डिग्री की तरफ चलेंगे तो रेट बढ़ेगा तो जो बी वाला ग्राफ है ये इसका हमारा सही ग्राफ है नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म ऑफ मेकेशन अकर वैन देर आर इलेक्ट्रॉन विद ग्रुप ऑन द एरोमेटिक रिंग ड्यूरिंग न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्ट्यूशन न्यूक्लियोफ़िलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन के दौरान यदि एरोमेटिक रिंग के पास जो हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप होते हैं तो किस मैकेनिज्म को फॉलो करेगा वो एडिशन एलिमिनेशन को पहले न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होगा उसके बाद जो पहला उसके ऊपर जो लगा हुआ है जो सब्सटीट्यूंट वो बाद में सेकेंड स्टेप में हमारा एलिमिनेट होगा तो इसका सही आंसर है हमारा ए एडिशन एलिमिनेशन नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर नेसेसरी फॉर एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन टू अकर इन एराइल हेलाइड एराइल हेलाइड के अंदर यदि हम एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन कराने लगे तो कौन सी कंडीशन नेसेसरी है हाई आपका हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर उसके लिए रिक्वायर्ड है तो इसका सही आंसर है हमारा ए नेक्स्ट द नेम ऑफ दिस रिएक्शन ये कौन सा रिएक्शन है ये सॉमलेट हाउस रीअरेंजमेंट रिएक्शन है हमारा तो इसका सही आंसर है हमारा ए नेक्स्ट द नेम ऑफ दिस रिएक्शन ये रिएक्शन क्या है हमारा ये वॉन रजिस्टर रीअरेंजमेंट है हमारा तो इसका सही आंसर है हमारा बी नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्सिट्यूशन इनमें से कौन सा हमारा न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन का एग्जाम्पल है सॉमलेट हाउसर वॉन रिजिस्टर या स्माइल्स रीअरेंजमेंट ये तीनों ही हमारे न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं तो उसका सही आंसर है डी नेक्स्ट बेंजाइन मैकेनिज्म इज ऑल्सो नोन एज बेंजाइन मैकेनिज्म को हम एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं तो इसका सही आंसर है हमारा बी नेक्स्ट इन वॉन रजिस्टर रीअरेंजमेंट द काबॉक्सिल ग्रुप एंटर्स इन ए पोजिशन ओरथो टू द एलिमिनेटेड नाइट्रो ग्रुप जो हमारा वॉन रिस्टर री में जो कार्बोक्सिल ग्रुप आता है वो हमारा जो एलिमिनेटेड नाइट्रो ग्रुप जहाँ से हट रहा है उससे एकदम एडजस्ट लगी हुई पोजीशन पे आता है तो इस तरह के रिएक्शंस को हम क्या कहते है? हैं इन्हें सिन सब्सटीट्यूशन रिएक्शन कहते हैं सिन सब्सटिट्यूशन रिएक्शन क्या होते हैं जिनमें एंटरिंग ग्रुप जो होता है वो उस पोजीशन को एक्ुपाई करता है उसके बगल जहां से लिविंग ग्रुप निकल रहा होता है उसे बगल वाली पोजीशन को ऑक्यूपाई करता है इसे हम सिंह रिएक्शन कहते हैं तो इसका सही आंसर है हमारा ए ये थे हमारे एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थैंक यू